वेल गाइस, काफ़ी दिनों से बहुत सारी रिक्वेस्ट चल रही थी कि सेवा सिंधु जो वेबसाइट है उस पर कैसे जाएं और किस तरह से फॉर्म फिलअप करें और अदर स्टेट जाना है या कर्नाटक के अंदर आना है तो किस तरह से ये करना है। तो वेरी सिंपल, मैं आपको वेरी क्विकली बताता हूँ, वेरी फास्ट। गूगल पे आप चले जाइए, सीधा वहाँ पर सेवा सिंधु आप टाइप कर दें। सेवा सिंधु अगर टाइप कर देंगे तो गूगल सर्च आपको डायरेक्ट लाएगा। इट्स वेरी ईजी बिकॉज, तो सीधा सीधा आपको वेबसाइट आ जाएगी sevasindhu.karnataka.gov.in। इसे क्लिक कर दें आप। क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट आ जाएगी। ये आपको चाचा नज़र आएंगे इस वेबसाइट पर, तो आप समझना कि बिल्कुल आपने सही वेबसाइट पे आए हैं। और सबसे ऊपर ये वेबसाइट कन्नड़ा के अंदर है, जो कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर काम करना है वो कन्नड़ा में कर सकते हैं, जो इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो एक्सट्रीम राइट में इंग्लिश का बटन है उसे क्लिक कर दें तो इमीडिएटली वेबसाइट इंग्लिश में आ जाएगी। अब सवाल है कि आप कर्नाटक से बाहर जाना है या अंदर आना है या दूसरी कंट्री से कर्नाटक के अंदर आना है। सबसे लेफ्ट का जो कॉलम है वहाँ पर आप देखें बॉक्स के अंदर, तो ट्रैवल टू अदर इंडियन स्टेट्स फ्रॉम कर्नाटका, यानी कर्नाटक से बाहर निकलने की बात हो रही है। और सेकंड जो कॉलम है वो दूसरे कंट्रीज में से कर्नाटक में आने की बात हो रही है। और तीसरा जो बॉक्स है, जो अलग अलग स्टेट्स में हैं जो कर्नाटक को आना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से हमें बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि किस तरह से हम कर्नाटक में आए, तो ये वीडियो हम ये करते हैं कि कर्नाटक में आने का रास्ता कैसा है वो दिखाते हैं। तो इस बटन को आप क्लिक करें तो ये आपको फॉर्म खुल जाएगा। वेरी इजी फॉर्म है, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की फ्री फैसिलिटी है, आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, नेम ऑफ द ट्रैवलर, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना नाम डाल दें, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल दें, उसके बाद आप जेंडर डालें, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी डालना है आप डाल दें, आपकी एज डाल दें, उसके बाद आधार नंबर आपका बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ अपना आधार नंबर केयरफुली आप यहाँ पर टाइप करें। उसके बाद विच कैटेगरी ऑफ ट्रैवल डू यू बिलोंग टू, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन हैं, आप क्या माइग्रेंट वर्कर हैं, टूरिस्ट हैं, पिलग्रिम हैं, स्टूडेंट हैं, या समझिए कि एग्जांपल आप कहीं एक फंक्शन अटेंड करने चले गए थे और वहाँ पर एग्जांपल मुंबई में आप स्टक अप हो चुके हैं, तो आप अदर सेलेक्ट कर लें और आपका प्रोफेशन सेलेक्ट करें, आप टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, व्हाटएवर, आप अपना प्रोफेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स। प्रेजेंट एड्रेस डिटेल मतलब आप फ़िलहाल कहाँ पर फंसे हैं वहाँ का एड्रेस डालना है, अपने घर का एड्रेस नहीं डालना है। यहाँ पर तकरीबन लोग ये कर रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस में अपना घर का एड्रेस डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जांपल आप मुंबई में स्ट्रक अप हैं तो मुंबई के जो भी आपका जो एड्रेस है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन में अपना एड्रेस डाल दें, कंट्री डाल दें, स्टेट एग्जाम्पल आपका अगर मुंबई है तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र आप सेलेक्ट कर लें, फिर डिस्ट्रिक्ट कोसी है आपकी, एग्जाम्पल आपकी मुंबई अगर आप है तो मुंबई सेलेक्ट कर दें। तो मुंबई सेलेक्ट करने के बाद तालुका आपका कौन सा आ रहा है आप अपना तालुका डाल दें, पोस्टल कोड यहाँ पर डाल दें, और ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन आप कितने दिन से यहाँ पर रहें, ऑब्वियसली 40 दिन 30 दिन के ऊपर ही हो चुका है लॉकडाउन के, वो डाल दें। इसके बाद सबसे अहम यहाँ पर यह है कि आपको कहाँ पर जाना है, यानी आपको अपने घर आना है तो आप अपने घर का एड्रेस डाल दें। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए गुलबर्गा आ रहे हैं तो गुलबर्गा का एड्रेस डाल दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर कंट्री कर्नाटक डाल दिया आप, उसके बाद गुलबर्गा डाल दीजिए आप, कलबुर्गी, गुलबर्गा कलबुर्गी आप डाल सकते हैं, उसके बाद तालुका आप डाल दें, और सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछ रहा है फॉर्म, जब भी आप कलबुर्गी सेलेक्ट करते हैं तो अफजलपुर अलन चिंचोली छतापुर, तो आप कलबुर्गी अंदर कलबुर्गी सेलेक्ट कर दें, तो ये यहाँ से होगा तालुका। पोस्टल कोड आप डाल दें जो भी करना है। अब इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर आ रहा है कि आर यू ट्रैवलिंग विथ फैमिली, अगर आप येस कहते हैं तो यहाँ पर एक नया पेज आपको छोटा सा खुल जाता है, एक कॉलम खुल जाता है जहाँ पर आपको फैमिली मेंबर से डिटेल्स पूछे जाते हैं। एग्जांपल समझिए कि थोड़ी देर के लिए मैं एक नाम डालता हूँ, एमडी सादिक अगर मैं नाम डालता हूँ तो ये कौन है पूछते हैं, तो ये मेरे फादर हैं एग्जांपल, तो फादर हैं, और उनकी एज कितनी है 54 मैं लिख देता हूँ और प्लस दबाता हूँ क्योंकि आपके साथ आपकी मदर भी ट्रैवल कर रही हैं, तो मदर का नाम एग्जांपल समझिए मेहर उनिसा अगर मैं थोड़ी देर के लिए नाम डालता हूँ, तो ये हो गई हैं मदर और इनकी एज है 46, और आपके साथ आपकी वाइफ ट्रैवल कर रही है तो आप वाइफ का नाम भी डाल दें, वाइफ का नाम आप डाल दीजिए जबीन, आप नाम डाल दीजिए, उसके बाद आप अगर आपका बेटा आपके साथ है उसका नाम आप डाल दीजिए अली, और अगर लास्ट में अगर आपके साथ कोई आपका भाई है बहन है व्हाटएवर, आप इस तरह से फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें आपकी फैमिली आ चुकी है। इसके बाद अब आना कैसा है, ट्रैवल अरेंजमेंट यहाँ पे पूछ रहा है आपको, ओन अरेंजमेंट या फिर
रिक्वेस्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट यानी आपको ट्रेन का या बस का आपको वेट करना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट से आपको SMS आएगा कि आपके लिए बस रेडी है, फलाना आपको बस स्टैंड पे आना होगा या फलाना पॉइंट पे आपको आना होगा, या ट्रेन अगर रेडी होती है तो ट्रेन का भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर केस ले रहे हैं ओन अरेंजमेंट। ओन अरेंजमेंट जैसे देते हैं आप तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। सीधा सा व्हीकल नंबर आता है, व्हीकल नंबर आपको डालना है, आपका जो भी व्हीकल आप कैरी कर रहे हैं वो व्हीकल नंबर डालना है, डेट ऑफ ट्रैवल डालना है आपको, 12th को अपनी करंट डाल दीजिए, आइडेंटिटी कार्ड टाइप आप क्या देना चाह रहे हैं व्हीकल के साथ तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, और साथ ही साथ आइडेंटिटी कार्ड नंबर एंटर लास्ट 4 डिजिट इफ़ आईडी कार्ड इज़ आधार। अगर आप अपना आधार कार्ड अगर दे रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ड्राइविंग की जगह मैं आधार सेलेक्ट करता हूँ, तो आधार के 4 डिजिट्स आपके 9194 एग्जाम्पल आपके जो भी आधार के डिजिट्स होते हैं आप वो भर दें, सिर्फ 4 डिजिट भरना है। ये हो गया फॉर्म भरने का ऑलमोस्ट काम। उसके अंदर क्वारंटीन डिटेल्स पूछ रहा है कि अगर आपको कोई सिम्टम है, खांसी बुखार सर्दी है तो यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर इससे पहले आप क्वारंटीन हो चुके थे तो यस करें या नो करें, यस करेंगे तो फिर आपको आगे आएगा कि कब कब आप हुए थे, इस मामले हम नो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है कि आई एग्री विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई मेरे से झूठ या गलत बात निकल रही है तो मैं पेनल्टी पनिशमेंट लेने के तैयार हूँ एज़ पर लॉ। ये करने के बाद आपको ये कीवर्ड डाल देना है 651432, ये जो भी आपको आएगा रैंडमली डाल के आपको ये सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, SMS भी आ जाएगा उसका, और आपको इस वेबसाइट पे भी आ जाएगा, तो आपको उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि कब आपको ये पास मिल सकता है। अब आप अपना रेफरेंस नंबर डाल दें तो आपको कॉपी आ जाएगी, और जैसे ही पास आपको मिल जाएगा, वो पास की हमने पिक्चर आपको बता रहे हैं इस तरह का वो पास रहेगा। तो काफ़ी आसान है, घबराने वाली कोई बात है नहीं, आप आराम से फॉर्म भरें। एक इतना तो श्योर है कि कर्नाटक में आने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटाइन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन दिया जा रहा है, और होम क्वारंटाइन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उस पर भी हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, महाराष्ट्र से या जहाँ से भी कोई लोग आ रहे हैं कर्नाटक में तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है 14 डेज तक। अगर ऐसा ही लगता है कि होम क्वारंटाइन के भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम आप तक अपडेट करेंगे। एक छोटी सी हमने कोशिश की आपको इस वेबसाइट की डिटेल्स बताने के लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं 1% इससे हेल्प हुई होगी। इमीडिएटली अगर आपको हेल्प हुई तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और आगे हमें किस तरह का वीडियो बनाना है प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GoHash, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और लाइक करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।